उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम पाली के रेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में किया गया। सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने बताया कि आज हम सभी कार्यकर्ता कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां पर साथ ही में सभी कार्यकर्ताओं को अपने घरों में भाजपा ध्वज फहराकर कार्यक्रम करने को कहा गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, वरिष्ठ नेता सरजू अग्रवाल, पंडित प्रकाश अग्रवाल और कार्यक्रम प्रभारी बहादुर सिंह श्रीधर राव, लल्ली यादव, मीडिया प्रभारी कल्लू बर्मन, रामधनी प्रधान, प्रेम गुप्ता, पार्षद राजू पटेल, तेजराम बर्मन, विष्णु विश्वकर्मा और ब्रजेश सिंह तिवारी, विद्या दर्शन वासवानी, सुशील द्विवेदी, पीयूष अवधिया व समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी हम सभी कार्यकर्ताओं की माँ हैं और पुत्र अपनी माँ के लिए समर्पित रहते हैं। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। आज हम सभी लोग कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के परिदृश्य में बड़े ही सावधानी और सतर्कता के साथ कम संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए मास्क लगाकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लाइव सुनते हुए पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता परम श्रद्धे दीनदयाल जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि समर्पित करते हुए पार्टी के इतिहास और विकास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा यहाँ पर समस्त कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित किया गया और बड़ी सीमित संख्या में बड़े ही सादगीपूर्ण माहौल में हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस एकत्र मनाने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बंधु एकत्रित हुए हैं। KNN न्यूज़ के लिए बिरसिंहपुर पाली से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।